हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला का एक्सरसाइज 12.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। अगर आपने एग्जांपल 4, 5 और 6 नहीं देखा हो, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम कैसे निकालते हैं, तो आई सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए। आपको आई बटन में ऊपर तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ पार्क इन अ शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक पार्क है जिसकी शेप जो है वो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। उसकी जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, ए बी 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है, सी डी जो है वो 5 मीटर है एंड ए डी इज इक्वल्स टू 8 मीटर है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो पार्क जो है उसका एरिया हमें फाइंड करना है कि कितना एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो सबसे पहले हम ना क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो ए बी हमें 9 मीटर दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि एंगल सी जो है ना वो 90 डिग्री है, तो हमें एंगल सी पे हमें 90 डिग्री का बनाना होगा। तो देखो मैं ये एंगल सी बना लेती हूँ यहाँ पे। ये मेरे अकॉर्डिंग ये हो गया सी, जो कि है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो मैं क्वाड्रिलेटरल बनाती हूँ। ये उसका बेस हो गया, ठीक है। ये ए बी हो जाएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी सी, और मैं इसको अटैच कर देती हूँ तो ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कैसे बना रहे हो। सी आपका ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। ए बी हमें गिवन है ये वाला 9 मीटर। बी सी जो है वो हमें गिवन है 12 मीटर। सी डी जो हमें गिवन है वो हमें 5 मीटर गिवन है, और ए डी जो है वो हमें 8 मीटर्स गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये एक पार्क है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो निकालना सीखा ही नहीं है। हमने क्या सीखा है कि हम क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो दो ट्रायंगल्स हमारे बनते हैं डायगनल की हेल्प से, ठीक है, तो उन दोनों का एरिया निकाल के, उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के हम प्लस कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसमें भी मैं सेम करूँगी, मैं एक डायगनल बनाऊँगी, ठीक है। ये मैं एक बना देती हूँ डायगनल, ठीक है। ओके, मैंने बी सी बी डी को ही ज्वाइन क्यों किया है, क्योंकि आप देखो अगर मैं ए सी को ज्वाइन करती तो ये 90 डिग्री का हाफ सा हो जाता, तो अकॉर्डिंग टू ये सही नहीं है, ठीक है। अब आप देखो कि ये दोनों ही ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे, अगर मैं इसको मिलाती तो ये ट्रायंगल नहीं बनता और 90 डिग्री में भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो इसीलिए मैंने बी डी को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब आप देखो कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स का निकालना है एरिया। जब ये वाले दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे तो दोनों को करेंगे प्लस, तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल आएगा, ठीक है। तो अब आप देखो, मैं सबसे पहले बात करती हूँ बी सी डी ट्रायंगल की। इसमें हमें ये वाली साइड गिवन नहीं है, ठीक है, ये हमें 90 डिग्री दे रखा है। जब हमें एक ट्रायंगल में 90 डिग्री दे रखा होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है फिगर दिखा के कि बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, तो मैं इस ट्रायंगल का निकाल लूँ एरिया, तो मैं निकाल लेती हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का निकाल लियो, बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब देखो ये जो 90 डिग्री की जो हाइट है वो है 5 मीटर्स और जो बेस है वो है 12 मीटर, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 12, ठीक है। 12 इंटू हाइट कितनी है हमारी 5, ठीक है। मैं इसको काट देती हूँ, 2 6 12, तो 6 5 30, तो आपका 30 मीटर्स क्या निकल जाता है इसका, ये 30 मीटर आपका इसका एरिया निकल जाता है बी सी डी का, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये वाले ट्रायंगल की हमें बात करनी है। अब हमें ये वाली साइड गिवन है, हमें ये वाली साइड भी गिवन है, लेकिन हमें ये वाली साइड तो गिवन ही नहीं है, तो हमें एरिया ऑफ, अगर इस ट्रायंगल का हमें निकालना है तो हमें ये वाली साइड तो चाहिए होगी। अब इसके अंदर हमें 90 डिग्री तो कुछ गिवन नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें कौन सा यूज़ करना होगा, यस, हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। ओके, आपको पता ही है, आपको रट गया होगा बिल्कुल फॉर्मूला क्या होता है रोन्स फॉर्मूला का, है ना। तो अब उसके लिए हम ये वाली साइड भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस बी सी डी ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। इसकी कैसे हेल्प ले सकते हैं हम, अब हमें ये चीज़ 90 डिग्री गिवन है, तो ये हो गया हाइपोटेनस, उसके पपेंडिकुलर और बेस। तो हम हाइपोटेनस से क्या निकाल सकते हैं,
बी डी का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल दूँ, मैं यहीं पे निकाल देती हूँ। देखो क्या होगा, हैप्पीनेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हमें किसका निकालना है, बी डी, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा फाइव का स्क्वायर परपेंडिक ये। ठीक है, और हमारा बेस कितना है, प्लस 12। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये तो आपको आता ही होगा हाइपोटेन्यूज का यूज़ करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी डी सिंपली निकाल देते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 25, प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 144। ठीक है, ये आप स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, तो अब बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9456, और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब बी डी चाहिए हमें, तो बी डी का स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, तो इसका अगर हाफ कर देते हो तो आपका आ जाएगा 13। ठीक है, 13 मीटर आपका क्या निकल जाता है, ये निकल जाता है डायगनल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका हमारा निकला है 13 मीटर। ठीक है, अब देखो ये दो साइड हमें गिवन थी, अब हमने ये वाली भी निकाल ली है, तो अब हम एरिया ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला का इसके अंदर यूज़ करके इस ट्राइंगल का भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों को प्लस करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ए बी डी, ए बी डी इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा, जल्दी से अपने बुक में कॉपी में नोट डाउन कर लो, एस एस माइनस ए, खुद लिखना, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, है ना, तो अब एस क्या होता है, यस वो होता है हमारा सेमी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, और सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो हम सेमी पैरामीटर सबसे पहले निकाल लें, क्योंकि हमें एस तो बहुत ज़रूरी चाहिए, तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अब मैं ए क्या लेती हूँ, अब मैं ए ले लेती हूँ ये, बी ले लेती हूँ ये, और सी ले लेती हूँ मैं ये। ठीक है, मैंने ए बी सी ले लिया, ए कितना है हमारा, 9 मीटर है, मैं यहाँ लिखती हूँ 9 मीटर है हमारा ए, प्लस बी कितना है हमारा 8 मीटर, मैं 8, प्लस सी कितना है हमारा 13 मीटर अपॉन टू। अब इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 13, 8, 9, तो ये आपका आ जाएगा 30 अपॉन टू। ठीक है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15 मीटर, तो हमारा एस निकल जाता है 15 मीटर। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो 15 दोबारा से 15 माइनस ए कितना है हमारा लिया, हमने 9 लिया है। ठीक है, फिर से 15 माइनस बी कितना लिया है, 8 लिया है। ठीक है, 15 माइनस सी कितना लिया है, हमने 13 लिया है। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ ले लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं, रूट लगा दूँ मैं, तो 15 × 15 - 9 कितना हो जाता है हमारा, 15 - 9 हो जाता है हमारा 6, इंटू 15 - 8 कितना हो जाता है हमारा, हो जाता है 7, इंटू 15 - 13 कितना हो जाता है हमारा, 2 हो जाता है। ठीक है, हमारी वैल्यू निकल जाती है 2। ओके, अब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, मतलब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो देखो 15 का क्या होता है, 3 × 3 = 15 होगा इसका फैक्टर, तो मैं लिख देती हूँ 3 × 5, इंटू 6 का कितना होगा, 3 × 2 = 6 होता है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 3 × 2, इंटू 7 का कुछ नहीं होता है, 2 का भी कुछ नहीं होता, 7 × 2 लिख दिया मैंने। अब इसके पेयर्स बना लो, पेयर्स क्या बनेंगे, ये बन रहा है एक 3 का पेयर, ये बन रहा है एक 2 का पेयर, बच गया अंदर 5 और 7, जो कि रूट के अंदर होगा। ठीक है, रूट के बाहर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और इंटू 2 आ रहा है। ठीक है, रूट में क्या बच गया हमारा, 5 × 7 बच गया हमारा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 3 × 2 = 6, और रूट के अंदर कितना आ गया, 5 × 7 = 35 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं स्क्वायर लगाती हूँ, यहाँ पे भी तो हमने एरिया फाइंड किया। ठीक है, अब हमने निकाल दिए हैं दोनों के एरिया। ओके, अब हम करते हैं इन दोनों को प्लस, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, हम मैं यहाँ लिखती हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल सबसे पहले हमने कौन सा लिया था, बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी एंड, सॉरी मैं यहाँ एंड नहीं लिख सकती, प्लस कर रहे हैं ना। ठीक है, फिर लिखती हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, ओके, तो मैं दोनों को प्लस कर देती हूँ, हमारा कितना निकला था, ये हमारा फर्स्ट निकला था 30, तो मैं लिख देती हूँ 30
प्लस ये कितना हमारा निकला है 6 रूट में 35, ठीक है। इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा। अब ये चीज़ देखो कि आप चाहो तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि आप रूट को सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो आप इसे यहाँ पर छोड़ सकते हो। बट अगर टीचर बोलती है कि आप इस रूट को सॉल्व करो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 30 तो रह ही जाएगा, ठीक है। इसको रूट में से सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 6 इंटू इसको रूट को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 5.916, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले इन दोनों को मैं इंटू कर देती हूँ। इन दोनों को इंटू करोगे 5 6 35 होता है, तो आपका आ जाएगा 35.5 समथिंग, ठीक है। तो ये 30 + 35.5 तो आपका आंसर आ जाता है 65.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। ये क्या निकला है आपका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या था, ABCD था, ठीक है। तो ये पूरा हमने कर दिया है सॉल्व। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ही फाइंड करना है सेम, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का। तो मैं सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। ओके, मैं इसका नाम रख देती हूँ ABCD, ठीक है। अब क्या गिवन है हमें, AB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, मैं लिखती चलती हूँ, AB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे AC को ज्वाइन करना पड़ेगा, AC की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। मैंने AC को कर दिया ज्वाइन, तो ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का निकालो, इस ट्रायंगल का निकालो और दोनों को प्लस कर दो। अब जल्दी से खुद सॉल्व करके देखो, वैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ साथ साथ, खुद भी सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, हम एक एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं लेती हूँ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तीनों वैल्यूज हमें दे रखी है, हमें कुछ 90 डिग्री तो गिवन है ही नहीं, 90 डिग्री दे रखा होता तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करते हैं ना। तो अब सबसे पहले मैं लेती हूँ कि इन ट्रायंगल, मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABC, ठीक है। ओके, तो हीरोन्स फॉर्मूला हमें निकालना है, तो मैं लिख देती हूँ रूट S S-A S-B S-C, ठीक है, इतना क्लियर होता है। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें सबसे पहले S निकालना होगा। S क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है, पैरामीटर सम ऑफ द ऑल द 3 साइड्स एंड सेमी मीन्स हाफ। तो मैं S निकाल दूँ यहाँ पे, तो मैं नीचे यहाँ निकाल देती हूँ A + B + C / 2। A कितना है, मैं इसको ऐसे मान लेती हूँ कि ये A है, ये हमारा, ये इसको भी मान लेती हूँ और ये हो गया हमारा C, ठीक है। तो ये हो गया 3 + B कितना है हमारा, 5 + 4, ठीक है। इसका टोटल अपॉन 2, इसका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 10 11 12, तो 12 / 2 आ रहा है आपका, तो ये काटोगे तो 6 आ जाएगा, तो ये आपका आ रहा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं अब ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट करूँगी S की जगह, तो ये हो जाएगा 6 - A कितना हमने लिया है 3, फिर से 6 - B कितना लिया है 5 और फिर से क्या लिया है 6 - 4, ठीक है। ओके, 6 × 6 - 3 3 × 5 6 - 1 6 - 5, तो ये आपका हो जाएगा 1 × 6 - 4 कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इसका हम निकाल लेते हैं, देखो 6 का कितना होता है, 6 का होता है 3 2 ज़ा, ठीक है। तो 2 × 3 लिख देती हूँ मैं, इंटू 3 का ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका हम कर लेते हैं पेयर्स बाहर निकाल लेते हैं, देखो 3 का एक पेयर बन रहा है और एक ये बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। और तो कुछ बचा ही नहीं, और तो 1 बच गया, और तो 1 का तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैं लिख देती हूँ 2 × 3, तो आपका कितना आ गया एरिया, ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही क्लियर, आसानी से निकल गया। अब इसका एरिया हम निकाल चुके हैं, अब इसकी बारी आ जाती है, ठीक है। इसका हम निकालते हैं, अब नीचे निकालती हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, ACD इज इक्वल्स टू, हीरोन्स फॉर्मूला का ही हम यूज़ करेंगे, 90 डिग्री हमें कुछ गिवन नहीं है, तो S - A S - B S - C,
तो अब इसमें भी हमें एस निकालना होगा, अलग अलग हमें वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एस निकाल देती हूँ, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए कितना है, मैं इसको मान लेती हूँ ए, इसको मान रखा है बी और इसको मान लेती हूँ सी, ठीक है। तो ए हमें गिवन है 5, बी हमें गिवन है प्लस 5 और प्लस सी हमें गिवन है 4 अपॉन 2। तो ये 5 5 10 और 4 40 अपॉन 2, इसको काटा तो आपका आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 आपका निकल जाता है सेमी पैरामीटर, तो मैं इसे अब सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो एस 7, तो ये आपका आ गया 7 माइनस ए, ए कितना है हमारा 5, 7 माइनस 5, बी भी हमें 5 गिवन है और फिर हमें दे रखा है सी 4, 7 माइनस 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं रूट में, तो 7 इंटू 5 6 7 2 इंटू 5, इसका भी 2 आएगा, प्लस 4 माइनस 7 कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसके पेयर्स क्या बन रहे हैं, देखो एक 2 का पेयर बन रहा है बस, है ना, 7 का ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, खाली 2 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा, 7 इंटू 3, तो 7 3 का क्या होता है 21 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है, मैं लगा देती हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आपका क्या निकल गया, एरिया निकल गया है, ठीक है। अच्छे से बहुत क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, अच्छे से समझ आ रहा है आपको कि कोऑर्डिनेट आखिर हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों ही एरियाज को प्लस करूँगी, कैसे लिखते हैं हम एरियाज को, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए बी सी का निकाला था हमने, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। दोनों का प्लस करते हैं, इसका निकला था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका निकला था 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं लिख देती हूँ 6 प्लस 2 रूट में 21, ठीक है। अब इसको हम प्लस करते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख के छोड़ सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पर अगर टीचर बोलती है इसको सॉल्व करने को तो हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो 6 ऐसे रहेगा प्लस 2, इसका हम रूट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 21 का हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.6 समथिंग, ठीक है, ठीक है, ये आपका आ गया। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को इंटू करूँगी, तो 6 प्लस 4 टू ज़ा 6 होता है, तो ये आपका आ जाता है, आपका आ जाता है 9.2, ठीक है। इसको हम प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आप अगर बोलोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी कि आप कैसे रूट को ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हो सकता है बहुत से बच्चों को आता हो क्योंकि कैसे इसको सॉल्व करा जाता है, ठीक है, हो सकता है आपको आता हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, यहाँ पे आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल गया है ना, ओके। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन थे। ऐसे ही हमने एग्जांपल भी किया था कि कैसे आप क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व करते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं होता, तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यू, ओके। थैंक यू सो मच, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।